लंबे हैं थोड़े, तो कुछ और कंटेंट करवाना है। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही मेंशनड है ये क्वेश्चन, और ये कंपटीशन में दो बार आया हुआ है, मींस मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में पूछा गया और एनसीईआरटी में पूछा गया। तो क्वेश्चन ये है कि आप एक बार खुद ट्राई करके देखो प्लीज़, इसको बिना देखे। तो मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि मान लो रफ कॉपी में करना, चार्ज पार्टिकल क्यू एंड क्यू है, स्ट्रिंग के साथ बांध रखे हैं, थीटा और थीटा एंगल गिवन है, बॉडी की डेंसिटी कितनी है, रो है, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है क्योंकि रिपल्शन है ना, तो ऐसा सिस्टम रुक गया। इस पूरे अरेंजमेंट को हमने वाटर में डाल दिया, वाटर में डाल के एंगल चेंज हुआ नहीं, थीटा एंगल रहा मान लो सेम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जरूर चेंज हो गई क्योंकि वाटर का क्या गिवन है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, और पानी की वाटर की डेंसिटी गिवन है सिग्मा, ये अभी इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज, बस आंसर रो और सिग्मा में ही आएगा, ये क्वेश्चन है। वो भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, बनाओ टेंशन के कॉम्पोनेंट्स बनाओ और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो बिना देखे ऑब्वियसली।
देखो इसको करने का क्या तरीका है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बड़ी सिंपल है कि आप कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, सिंपल है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर वैक्यूम के अंदर पहले एक डायग्राम ड्रॉ करें, टेंशन टी थीटा थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, वेट डब्ल्यू, और ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। समझ में आता तो काफी कर लिया ऐसे डायग्राम। तो इसमें टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इक्वेशंस क्लियर है? इन्हें अगर डिवाइड कर लें साइन को कॉस से, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा एफ ई बाई डब्ल्यू। इक्वेशन यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है, संभाल के रखो इसे। अब नेक्स्ट है वॉटर। वॉटर के अंदर सेम डायग्राम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगी बिकॉज इसके अंदर डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यूज होगा। तो टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, वेट भी चेंज होगा क्योंकि वाटर इस बॉडी पे क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट। तो एक्चुअल वेट अगर डब्ल्यू था हवा में, तो पानी क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट, तो नेट वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश। क्लियर है यहां तक? तो वेट कम हो जाएगा पानी में। तो इक्विलिब्रियम में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश। क्लियर? इन्हें डिवाइड करेंगे एक बार फिर से, तो टैन थीटा क्या आएगा, एफ ई डैश डिवाइडेड बाय W डैश। अब एंगल तो उसने चेंज करने को कहा ही नहीं, तो एक बार tan थीटा वैक्यूम में, एक बार tan थीटा वाटर में, tan और tan आपस में ये वैल्यूज को इक्वेट करेंगे तो ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FE by FE डैश इसके इक्वल आ जाएगा। ये फोर्स किस में थी, वैक्यूम, ये फोर्स किस में है, मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम को क्या बोलते हैं, डायलैक्ट्रिक। तो ये बेसिकली K ही दे रहा है आपको, तो इसका मतलब इसकी रेशियो k दे रही है, तो k किसके इक्वल आ गया, w डिवाइडेड बाय w डैश, और w डैश किसके इक्वल है, एक्चुअल वेट में से क्या माइनस किया, अप थ्रस्ट। पुट कर लिया यहां पर, क्लियर यहां तक? तो वेट का मतलब mg, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वेट में बॉडी की डेंसिटी आएगी v इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू g, वेट में v इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू g। लेकिन जब अपथ्रस्ट होता है उसका मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होता है, तो वेट ऑफ वाटर में डेंसिटी बॉडी की नहीं आएगी, डेंसिटी वाटर की आएगी। तो बॉडी के वेट में बॉडी की डेंसिटी, अपथ्रस्ट में लिक्विड की डेंसिटी, वीजी 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 कैंसिल, आंसर रो बाय रो माइनस सिग्मा इसका आंसर है। तो पॉइंट क्लियर है कि कैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनानी, और एक स्टेप थोड़ा सा आगे चला गया कि कैसे डिवाइड करके डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, ओके। इसी के अंदर बुक्स के अंदर ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कर चुके हैं, लेकिन काफी बुक्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन और थ्योरी को ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं। मैं आपको सिर्फ बुक की लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर यह समझने के बाद आप खुद बना सकोगे कैसे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि नेट फोर्स निकालने के काम आता है। अगर सपोज करो आपके पास कोई चार्ज है Q नॉट एंड इज सराउंडेड बाय Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर मैं ये पूछूं कि Q नॉट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आप सिंपली फोर्सेस को ऐड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, वेक्टर सम बोलेंगे। कैसे, मान लो वन चार्ज ने क्यू नॉट को क्या किया, रिपेल किया विद अ फोर्स ऑफ एफ जीरो वन वेक्टर, क्यू नॉट क्यू वन वेक्टर। क्यू टू ने क्यू नॉट के ऊपर कितना वेक्टर लगाया, एफ ऑफ जीरो टू वेक्टर। क्यू थ्री ने क्यू नॉट पे कितनी कितना वेक्टर लगाया, एफ ऑफ जीरो थ्री वेक्टर। और क्यू एन क्या लगाएगा, एफ ऑफ जीरो n वेक्टर, such that q नॉट पे जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू f01 वेक्टर, 02 वेक्टर, अप टू 0n वेक्टर। तो आप प्लीज वेक्टर की ही कैलकुलेशन करना, बिना वेक्टर के नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन है सुपरपोजिशन की, इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, किसी भी गिवन चार्ज q नॉट के ऊपर जो नेट फोर्स होगी इज वेक्टर सम, सभी का वेक्टर सम होगा। किसका वेक्टर सम, इंडिविजुअल फोर्सेस, ये सब इंडिविजुअल फोर्सेस हैं एक एक करके ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल द चार्ज, तो बाकी चार्ज जो नेट फोर्स लगाएंगे उनका वेक्टर सम होगा। क्लियर है यहां तक?
तो ठीक बोल रहा है वो, इस चीज को हमने न्यूमेरिकली किया, थ्योरी में ऐसे लिखा जाएगा। एक स्टेप और फर्दर इसने कर दिया, क्या मान लिया ये एक्स एक्सिस है, मान लिया ये वाई एक्सिस है। अब एक्स और वाई एक्सिस को लेके पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। क्यू नॉट का पोजीशन वेक्टर इज सपोज आर जीरो वेक्टर, क्यू वन का पोजीशन वेक्टर इज सपोज आर वन वेक्टर, क्यू टू का पोजीशन वेक्टर इज आर टू वेक्टर। अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखो ये वही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर, आर नॉट एंड सो ऑन। तो दोनों डायग्राम को इसने मर्ज कर दिया, क्लियर है यहां तक। फिर वैल्यू लिखने का तरीका देख लो, एफ जीरो वन का मतलब क्यू नॉट क्यू वन में फोर्स, तो जीरो वन का मतलब वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू वन बाय, मान लेते हैं इमेजिन कर लिया जीरो और वन में, क्यू नॉट क्यू वन में डिस्टेंस है आर वन जीरो, आर वन जीरो का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए अपने मन से एक डायरेक्शन लगा दी, यूनिट वेक्टर आर ऑफ वन जीरो का कैप। हमने पहले भी वेक्टर फॉर्म सीखा था आर वन जीरो का कैप, जस्ट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कि एफ जीरो वन की तरफ ही आर वन जीरो कैप होगा। सिमिलरली जीरो टू में क्यू नॉट क्यू टू बाई आर जीरो टू स्क्वायर आर जीरो टू का कैप एंड सो ऑन अप टू एन तक चलेगा। इसमें इसमें आर जीरो एन कैप लगा लेना पीछे, आर जीरो एन कैप मिसिंग है, आर जीरो एन कैप यहाँ पे आर जीरो एन कैप, ठीक। तो यहाँ पर वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट कॉमन बाहर आ गया, क्या बचा क्यू वन डिवाइडेड बाई दिस टर्म जो अंदर बच गया, ये कॉमन बच गया। अब क्योंकि हर टर्म प्लस चल रही है तो सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वन देखो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू एन की जगह क्यू आई, आर जीरो वन आर जीरो टू आर जीरो एन की जगह आर जीरो आई, आर जीरो वन स्क्वायर आर जीरो टू स्क्वायर आर जीरो थ्री स्क्वायर आर जीरो आई स्क्वायर आई वन टू। तो इस फॉर्म में बुक्स लिखती हैं, बट मैंने कभी ये देखा नहीं कि थ्योरी के अंदर सीबीएसई के अंदर लिखने को आए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन आ सकती है जो मैंने लिख दी इसमें। और रही बात बाकी डेफिनेशंस की और टेक्निकल टर्म्स की, तो बुकलेट आपको देने वाला हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूजडे को मिलेगी, दो तीन दिन में मिल जानी चाहिए। तो वॉल्यूम वन दूंगा मैं आपको, तो उसमें पूरी डेफिनेशन भी होती हैं और उसमें पूरी डेरिवेशन भी होती हैं सारी। तो इसमें तो क्योंकि मिक्स चलता है ना, मतलब थ्योरी न्यूमेरिकल थ्योरी, उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो उसमें जितनी भी एनसीईआरटी की थ्योरी आएगी उसमें कोई कंपटीशन का कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी की बुकलेट्स हैं वो, तो वो बुकलेट में से एनसीईआरटी का कंटेंट आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस डालना ही उतना है जितना एनसीईआरटी बोर्ड में काम आएगा बस। तो ट्यूजडे तक दूंगा, ठीक, पूरे वॉल्यूम वन का सेप्टेम्बर तक का मिलेगा पूरा। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ओके, और जो लास्ट है, इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें न्यूमेरिकल देखेंगे।